हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की महिला पुलिस कांस्टेबल स्मिता टांडली के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं स्मिता टांडली के बारे में। पुलिस की नौकरी कर लोगों की मदद करने वाली आरक्षक व रक्षा टीम की सदस्य स्मिता टांडली ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। दोस्तों, स्मिता टांडी को इस कार्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से नई दिल्ली में 8 मार्च 2016 को सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अगर हम इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो स्मिता का जन्म सन 1992 को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के एक शहर दुर्ग में हुआ था। दोस्तों, स्मिता देखने में बिल्कुल ही साधारण है, ना कोई दिखावा, बस उनका हुनर ये है कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करती हैं। उन्होंने बताया कि साल 2011 में जनवरी में पुलिस की नौकरी शुरू की, इसके बाद 2 साल बाद 2013 में प्रशिक्षण ले ही रही थी कि तभी उनके पिता शिव कुमार, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल थे, की तबीयत खराब हो गई। स्मिता के पास अपने पिता के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और उस समय बाद गंभीर बीमारी के कारण उनके पिता की मौत हो गई। और दोस्तों, उस घटना के बाद स्मिता ने ठाना कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीवन दीप ग्रुप नामक एक संस्था बनाई, गरीबों की मसीहा के नाम से मशहूर और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त दुर्ग की आरक्षक स्मिता टांडी के साथ ट्रेन में एक छेड़छाड़ और बदतमीजी का मामला सामने तब आया जब वह एक शादी समारोह से साउथ बिहार ट्रेन से लौट रही थी। महिला आरक्षक के साथ यह छेड़छाड़ तब हुई जब वह बिलासपुर और भाटापारा के बीच चलती हुई ट्रेन में थी, तब उनके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की घटना घटी। व्यक्ति एक प्रोफेसर निकला और उसके माफी मांगने पर स्मिता ने उसे माफ कर दिया और लिखित कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराई। दोस्तों, स्मिता टांडी ने दोस्तों के साथ मिलकर एक फेसबुक अकाउंट बनाया। शुरू में लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, मदद नहीं करते थे, लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद ही उनकी अपील पर लोगों की मदद के लिए दान करना शुरू कर दिया लोगों ने। महज 20 महीने पहले खोले गए इस अकाउंट पर 7 लाख से भी अधिक फॉलोवर्स हो गए। स्मिता के मुताबिक जब भी उन्हें पता चलता है कि भिलाई या रायपुर के आसपास के इलाके में किसी को इलाज में मदद की ज़रूरत है तो वह उस वक्त वहां जाकर खुद इंफॉर्मेशन निकालती हैं, प्लस उसे वेरीफाई करती हैं। इसके बाद वेरीफाई करने के बाद फेसबुक पर मदद के लिए अपील करती हैं। उनकी फेसबुक पर तमाम लोगों की कहानियां पढ़ी जा सकती हैं जिनकी स्मिता ने मदद की या जिन्होंने मदद करने के लिए अपील की है और वह मदद करने की कोशिश भी कर रही हैं। फेसबुक पर स्मिता की लोकप्रियता की जानकारी होने पर सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें भिलाई के महिला हेल्पलाइन के सोशल मीडिया सेल में ट्रांसफर कर दिया। स्मिता दुर्ग में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती हैं। वह स्टेट वॉलीबॉल टीम की भी सदस्य हैं। देश भर से लोग उन्हीं के जरिए मदद पाने की गुहार लगाते हैं। जानकारी सही होने पर वह अपने फेसबुक अकाउंट पर मदद के लिए अपील भी करती हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। Thank you.